रूटीन विजिट पे थे, अभी मैं कसाई गली में गया हूँ, दूध की चेक किया, अडल्ट्रेशन आई है, वो दुकान मैंने सील किया, फाइल लगाया उसके ऊपर, उसके अंदर डिटर्जेंट आ गया। तो कोटा होटल की कंप्लेंट थी, वहाँ पे कोई बासी खाना है, किचन उनका ठीक नहीं था, वहाँ पे गया वो कंप्लेंट एड्रेस की। कंटिन्यूसली 4-6 दिन से इनकी शिकायतें आ रही हैं कि इनके चावल हैं उनसे कीड़े निकलते हैं, इनकी चीनी खराब है, एक्सपायर चीज़ें हमें दे रही हैं। तो ज़ाहिर है बींग डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फूड अथॉरिटी, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन चीज़ों को आके जो है वो मैं देखूँ। मैं आया हूँ, उनको मैंने कार्ड अपना दिखाया है, यहाँ तक कस्टमर की लाइन लगी हुई। फूड कंट्रोल अथॉरिटी ने यूटिलिटी स्टोर रावला को से जायद अलमियाद घी के मुतादद पैकेट जब्त कर लिए। अथॉरिटी के अहलकारों ने यूटिलिटी स्टोर पर जब खाने पीने की अशिया का जायजा लिया तो मुतादद अशिया जिनमें घी के पैकेट शामिल थे एक्सपायर हो चुके थे। अथॉरिटी के अहलकारों ने जब ये चीज़ें जब्त करने की कोशिश की तो यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन ने सख्त मज़ाहमत की। इस मौके पर मौजूद शहरियों ने बड़ी तादाद में शिकायत की कि इस स्टोर पर पसंद और नापसंद की बुनियाद पर माल फरोख्त किया जाता है। गली में एक दूध फरोश की दुकान पर भी छापा मारा और मजे से दूध फरोख्त करने पर दूध फरोश की दुकान सील करते हुए दूध जाया कर दिया, जबकि 60,000 रुपये जुर्माना भी किया। कश्मीर धरती न्यूज़ रावला कोट।